अगर बॉस ऑफिस में नहीं है तो फिर तो हमें काम पे और ध्यान देना चाहिए, है ना? आ चुका दिखा ही थी किस्मत में, ये है तुम्हारी औकात। फारूक तो बड़ा ही कोरा और नकदरा शख्स निकला, उसे नहीं पता कि उसने क्या ठुकरा दिया। सफीना। सफीना। मैं कैसे मान लूं कि तुमने अपने किसी को तकलीफ पहुंचाई? हारून सर, मैं आपके लिए चाय लेकर आता। नहीं, मैं चलता हूँ। आओ जी, बल्कि यहाँ चलते हैं। जी मिस सकीना, आप अंदर जाएं। मैं कम इन सर। यस। अरे तुम, तुम्हें दो दिन पहले नायला भाई के मेरा मतलब है वहां देखा था। मेरे ख्याल से मैं वापस चली जाती हूँ, अब इंटरव्यू की तो कोई जरूरत नहीं रही होगी। रुको, अब जब आ ही गई हो तो इंटरव्यू देके जाओ। जब मैं जानती हूँ कि इसका नतीजा कुछ नहीं होगा तो अपना और आपका वक्त जाया करने का क्या फायदा? देखो, मेरे पास जाया करने को बहुत कुछ है, वक्त है, पैसा है, उम्र है। बैठो बैठो। बहुत प्यार से पाला मैंने उसे। समीना की डेथ के बाद मेरी जिंदगी में उसके अलावा और उसका मेरे अलावा कोई था ही नहीं दुनिया में। लेकिन मैं उसे जिंदगी का महवर बनाते हुए ये बात भूल गया था कि उसके अलावा मेरी जिंदगी में तो कभी कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई ना कोई ले सकता। ये तो दुनिया का दस्तूर है सर, नए रिश्ते, नई जिंदगियां, ये तो दिल में अपनी जगह बनाते रहता। लेकिन मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर सका कि मेरे अलावा भी कोई शख्स निशी के लिए अहम हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जो मुकाबले का भी ना हो मेरे, ना ही निशी के बराबर का। काश मैं गुस्से में आकर उसे इश्तियाल ना दिलाता, मामला समझदारी से हल हो सकता, लेकिन मेरी जल्दबाजी और गुस्से की वजह से वो इस हाल को पहुंच गई। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब तो वैसे भी सर सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी ऐसा कुछ बाकी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। कुछ ऐसा जो मेरे और निशी के लिए मुस्तकिल इम्तिहान बन सकता है, कड़ा इम्तिहान। मैंने तो एडमिन को कहा था कि हमें सिर्फ एक आम सी इंटरपास टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए, मगर तुम तो इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी क्वालिफाइड हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी जॉब मिल सकती है। मिलती होती तो अब तक मिल चुकी होती। वैसे भी मैंने मेयार से कम पे समझौता करना सीख लिया है। मेयार से कम पे समझौता कैसे किया जा सकता है? दिल को मार के, ख्वाहिशात को कुचल के कैसे जिया जा सकता है? इससे पहले कि ख्वाहिशात हमें कुचल दें, बेहतर है कि हम खुद ख्वाहिशात को कुचल दें। मैं ये नौकरी तुमको नहीं दे सकता। मैं पहले से ही जानती थी आपको मेरा वक्त जाया नहीं करना चाहिए था। सुनो,
मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। इंतखाब? मगर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आप मुझे ये जॉब नहीं दे रहे। ऑफिस के लिए नहीं, अपने लिए। Come in. अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं हारून सफदर हूँ जी। तो वो मैडम, मैं वो सर का वो मैडम आपके फादर भूल गया, इजाज मीर साहब का एम्प्लॉय जी। एक मामूली एम्प्लॉय जी। तो यहाँ क्या करने आए हो? वो मैडम सर ने किसी मीटिंग में जाना था तो उन्होंने कहा कि मैं आके आपका ख्याल रखूं हॉस्पिटल में। तो लुक आफ्टर के लिए आए हो जी। तुम्हारा काम है दरवाजे के बाहर खड़े होना, अंदर आना नहीं। ठीक है मैडम, मैं चला जाता हूँ। ये बुके आपके लिए था। इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी डोर के बाहर खड़े होना है, बुके लाना नहीं। जी बेहतर। वो मैडम सर ने कहा था कि आपने अगर कुछ खाना हो, हॉस्पिटल का खाना ना पसंद आए तो आप जो ऑर्डर करना हो, आप मैं बाहर ही हूँ, बता दीजिएगा मुझे। मैं गो एंड गेट लॉस्ट, लीव मी अलोन। जी ये मैंने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, ऑफिस के लिए नहीं, अपने लिए। मगर तुमने तो इनकार कर दिया था। इनकार मैंने उसे देखने के बाद किया था और इकरार उसे जानने के बाद कर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था नायला भाई कि वो खास है, वो वाकई बहुत खास है। लेकिन अब मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। इसकी क्या गारंटी है कि शादी के दो दिन बाद तुम उसे छोड़ नहीं दोगे? क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? 25 लाख हक मेहर, 25 तोले सोना और 1 कोठी सकीना के नाम। ठीक है, मंजूर है मुझे। तुम निकाह की तैयारी करो। तुम हमेशा मुझे मुश्किल में डालती आई हो और इस बार तुमने खुद को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। I'm sorry, पापा। तुम्हारी एक सॉरी जो है वो इन सारी बातों का अजाला नहीं कर सकती। मैं इसीलिए मरना चाहती ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम से आजादी दे सकूं। मैंने टेंशन के अलावा आपको दिया ही क्या है पापा? देखो अगर तुम अपने किए पे पछता रही हो और चाहती हो कि मुझे तुम्हारी तरफ से सुकून मिले तो अपनी जिंदगी के सारे फैसलों का अख्तियार मुझे दे दो। मगर अगर मगर क्या बेटा, कि अपने बाप पे भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा तो है पापा, पर मुझे ये नहीं पता कि अब आप क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मुझे तो कोई फैसला करने की गुंजाइश ही नहीं दी गई। मेरे पास तो सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो मैं मर जाऊं या तो बस बस करो प्लीज। बहुत कर दी तुमने अपनी मनमानी,
अगर तुम मुझे पहले एतमाद में लेती तो शायद नौबत यहां तक ना आती। बहुत हार्ड किया तुमने मुझे, लेकिन मेरी तुमसे मोहब्बत अब भी कम नहीं हुई। तुम मेरी वाहिद दौलत हो, मेरी सारी जिंदगी का असासा तुम हो, और तुम्हें मुश्किलों से बचाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, हर वो कोशिश जो मेरे बस में होगी। लेकिन बस तुम मुझसे वादा करो कि मेरे साथ हर तरह का कोऑपरेट करोगी, प्लीज। थैंक यू। बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर बेहतर अल्लाह ने करना है तो मैं सब कुछ अल्लाह पे क्यों ना छोड़ दूं, आप पे क्यों छोड़ूं? फारूक ने यकीन दिलाया है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारे तमाम हकूक और जिम्मेदारियां पूरी करेगा अगर तुम उसे खुश रखोगी। तो तुम खुश रखोगी ना? किसी इंसान को खुश कैसे रखते हैं ये तो अब तक मैंने सीखा ही नहीं खाला। मुझे तो अपने रब को भी खुश रखना नहीं आया। सकीना, वो तुम्हारा शौहर होगा, और शौहर को खुश रखने वाली औरत से उसका रब भी खुश होता है। कहते हैं जो औरत इस हाल में हो कि उसका शौहर उससे राजी हो तो सीधी जन्नत में जाती है। वाकई ये सच है खाला? हाँ, सुना तो यही है। अगर ये सच है खाला तो मुझे जरूर सिखाना कि उसे खुश कैसे रखना है, मुझे अपना रब राजी करना है। आपके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपको चेकअप के लिए भी जाना होगा। सकीना, अभी इससे भी जरूरी काम जा रहे हैं, चेकअप बाद में होता रहेगा। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ब्यूटी पार्लर। 4 दिन बाद फारूक के साथ तुम्हारा निकाह है, जाने उसको तुम्हारी कौन सी बात पसंद आ गई, कैसे उसके ख्याल बदले कि फौरन उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मर्द है ना, और मर्द की पसंद सिर्फ एक मामले में पायदार होती है, वो है हुसन। और मैं तुम्हें उसकी पसंद के मुताबिक ढालना चाहती हूँ सकीना, ताकि कल को उसे अपने फैसले और जल्दबाजी पर कोई अफसोस ना हो। मगर क्या तुम उसे खुश नहीं देखना चाहती बेटा? चलो अब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आप बैठो बैठो। जी सर, वो आपने बुलाया था मुझे। हारून, तुम मेरे एक एम्प्लॉई हो, 300-400 स्टाफ में से एक, लेकिन कभी कभी इंसान किसी से कुछ ऐसा रिश्ता जोड़ लेता है जो
अकल और शऊर में भी नहीं समा सकता। अगर तुम में कुछ ऐसी बात है तो जो मैं तुमसे ऐसी ऐसी पर्सनल बातें शेयर की जो अपने किसी दोस्तों से भी नहीं की मैंने। सर ये तो आपकी मोहब्बत है और वो एतमाद है जो आप मुझ पे करते हैं। अगर एतमाद की बात है तो तुम्हें अगर ये बताऊं कि तुम्हारा ट्रांसफर मैं कराची कर रहा हूं तो। लेकिन सर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? सर आप मुझे दूर भेज रहे हैं इसीलिए। सर जिन लोगों से गलतियां हो जाए उन्हें प्रमोशन नहीं दी जाती। प्रमोशन? कराची का जो एचआर डिपार्टमेंट है तुम उसके हेड हो गए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट? लेकिन सर मैं अभी इस काबिल नहीं हूं। तुम किस काबिल हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कराची किया। एक और वजह भी है जिसके लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि तुम्हें इस शहर और ऑफिस से दूर भेज दिया जाए। वो क्या है सर? जाओ सकीना। खाला जाओ सकीना, तुझे तेरे अल्लाह पर यकीन है ना? तूने किसी हाल में भी सबर और ईमान का दामन नहीं छोड़ा। मुझे यकीन है तेरा अल्लाह भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। खाला अल्लाह सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है, आपका भी। हाँ मेरा भी है, तभी तो इस आखिरी वक्त में उसने मेरा हाथ भी थाम लिया है, मुझ जैसी औरत को ये मौका दिया। क्यों माँ बन के तुझे रुखसत कर रही है, एक व्यापारी बन के नहीं। जाओ फारूक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाबाश जाओ। की बात समझ नहीं पा रहा सर। मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। देखो मैं ये शादी खुफिया तौर पे नहीं कर रहा हूं और ना ही तुम्हें छुपा के रखूंगा। तुम्हें पहले उसे जान लेना चाहिए। जान की क्या करना है, इतना काफी नहीं कि मुझसे निकाह कर रहा है? सकीना तुम बहुत मासूम हो,